हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। जब आप शक्तिशाली होते हैं तो कानून एकमात्र सुझाव की तरह वैकल्पिक लगता है। ये एक रोमांचक लेकिन एक खतरनाक आजादी है, जो बताते हैं कि एक काल्पनिक शक्ति के बोझ तले न्याय कितना नाजुक है। ये कहानी जहां पे एक टीनेज लड़के ने दो लोगों को मार दिया है, तो आज हम उसके ऊपर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इस चर्चा को स्टार्ट करते हैं। इन डेप्थ जाने से पहले हम लोग एक बेसिक जो डिटेल्स है और आप बोलिए जो मौलिक विवरण है, हम उसके ऊपर पहले देख लेते हैं। ये जो काम किसने किया है, ठीक है, ये काम किया है वेदांत अग्रवाल ने, जिन्होंने सड़क पे दो आदमियों को, एक लड़का एक लड़की 24 साल की, उनको कुचल दिया। उनका नाम था वेदांत अग्रवाल। उनका उम्र कितना था? उम्र था 17 years 8 months। ठीक है, कहां पे ये जो वारदात हुआ है? वो हुआ है पुणे में। इनका पिता का क्या नाम है? इनका पिता का नाम है विशाल अग्रवाल। और ये है कौन, मतलब विशाल अग्रवाल या वेदांत अग्रवाल, ये है क्या, है कौन? ये जो आप देखेगा पुणे का इन्फ्लुएंशियल जो फैमिली है, वहां से ये लोग बिलोंग करता है। पुणे में देखिए ब्रह्मा जी रियलिटी बोल के एक रियल एस्टेट कंपनी है, उस रियल एस्टेट कंपनी का ओनर है ये, आप बोलिए एस के अग्रवाल, इसके अग्रवाल वेदांत अग्रवाल का दादाजी, एंड आफ्टर दैट विशाल अग्रवाल एंड देन वेदांत अग्रवाल। और ये कौन सा गाड़ी से इन दोनों को पूछा गया, वो है पोर्शे टाइकैन। उसके बाद जो ये बहुत जगह पे ये जो इंसिडेंट हुआ कब, मतलब किस समय में ये हुआ है, ये हुआ है रात के रफली 2:30 से 3 AM के बीच में, उस टाइम पे ये हुआ है। और ये कितना स्पीड से गाड़ी चला रहा था, बहुत जगह पे देखिएगा ये चीज़, मतलब एक जगह पे 150 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, ये सब है। इसमें बहुत लोग जो लोग बीजेपी को हेट करता है, या आप बोल लीजिए जो अजीत पवार को स्पेशली हेट करता है, वो लोग तो मतलब जो गाड़ी का स्पीड 240 कर दिया है, और जो लोग मॉडरेट है वो लोग बोल रहे हैं 150, 160, ये सब के बीच में है। गाड़ी का कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं था, मतलब एक अनरजिस्टर्ड कार था, नंबर प्लेट नहीं था, मतलब लाइसेंस नहीं था, नंबर प्लेट कुछ नहीं था, ठीक है। एंड एज आई सेड आइडिया कि दो जो टेक इंजीनियर है फ्रॉम, वो लोग मध्य प्रदेश से बिलोंग करता था, एक लड़का और एक लड़की सो करती थी, तो दोनों वो सड़क पे था। और उसके बाद क्या किया, ये जो वेदांत अग्रवाल ने उनके ऊपर वो गाड़ी चला दिया, जिनके कारण ऑन द स्पॉट उनका डेथ हो गया है। अच्छा, वेदांत अग्रवाल ने ये जो गाड़ी उन दोनों के ऊपर क्यों चला दिया, मतलब वो कौन सा चीजों के लिए वो खुश था? वो खुश इसलिए था क्योंकि उनका जो क्लास 12 का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद वो सेलिब्रेट करने चला गया था पब। और पब में जाके उन्होंने ड्रिंक्स, दारू, सुट्टा, गांजा, जितना लेना था उन्होंने लिया। एंड आफ्टर दैट आपको पता होगा ये जो हाई एंड कार है, हाई एंड कार को आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, तो इसके वजह से क्या हुआ, जो स्पीड है वो स्पीड एक लिमिट के बाहर चला गया, 150-160 किलोमीटर में चला गया, या बोल दीजिए 240 किलोमीटर में चला गया, जिसके कारण क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, ये जो दो टेकी है आईडी इंजीनियर से, इन लोगों के ऊपर से गाड़ी चला गया। जब वो इंसिडेंट हुआ था तो रात के 3 बजे, उस टाइम पे सड़क पे बहुत सारा लोग भी था, तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो कार में दो आदमी था, एक था ये वेदांत अग्रवाल और वेदांत अग्रवाल का कोई दोस्त था, तो जब वो इंसिडेंट हुआ वेदांत अग्रवाल का जो दोस्त था वो भाग गया, ठीक है। और सड़क पे जो लोग था वो उस टाइम पे डेफिनेटली वेदांत अग्रवाल के ऊपर बहुत गुस्सा हो गया था, तो उसके वजह से क्या हुआ कि वेदांत अग्रवाल को गाड़ी से उतार कर बहुत लोगों ने उनको मारा, ठीक है। आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया, ये पुलिस को हैंडओवर कर दिया उनको। इसके बाद जो जॉली एलएलबी जो मूवी है ना, यहां से स्टार्ट होता है। पहले हम लोग देख लेंगे जुडिशियरी, इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, क्योंकि पुलिस ने क्या किया, डेफिनेटली जब उनको हैंडओवर कर दिया गया था उसके बाद उनको प्रेजेंट करना था जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उनके सामने, एंड आफ्टर दैट एक जजमेंट आया। एंड हम पहले वो चीजों के ऊपर देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस ने क्या क्या किया है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो फिर आ जाते हैं कि ये जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने क्या किया। देखिए, जब उनका ये चीज हुआ है, पूरा जो इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद उनको जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रस्तुत कर दिया गया था, तो उनको बेल मिल गया, मतलब विद इन 15 डेज, दैट टू इन संडे, ठीक है। आप सोच रख के देखिए कि एक मर्डरर है, मतलब उनके ऊपर एक्यूजेशन है, तो उनको क्या किया गया है कि विद इन 15 आवर्स, दैट टू इन संडे, कंप्लीट बेल मिल गया। उसके बाद उनके लिए पनिशमेंट क्या था, मतलब जिन्होंने आप बोलिए इंटेंशनली या अनइंटेंशनली दो टेकी को मार दिया, और वो जो दो टेकी था ना, वो लोग क्या है कि उनका जो फैमिली का ब्रेड अर्नर था, ठीक है। अब इन दोनों को जब मार दिया, उसके बाद वेदांत अग्रवाल पनिशमेंट उन्हें 300 वर्ड का एक ऐसे लिखना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट 15 डेज तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना पड़ेगा, उनको लाइसेंस 25 years के बाद मिलेगा, एंड उनको ये जो ड्रिंकिंग के उनका जो एक हैबिट है ना, वो बोल रहे बहुत जब उनका जो स्पेशली दिखेगा कि एडवोकेट है, उन्होंने ये बोला प्रशांत पाटिल, उन्होंने ये बोला है कि ये डिप्रेशन है, तो इसके लिए ये अल्कोहल की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो इसके वजह से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने ये बोल दिया कि ठीक है, आप ये जो आपको कुछ काउंसलिंग वगैरह कुछ चाहिए तो आप उसको ले सकते हैं, सो दैट यू कैन क्विट ड्रिंकिंग। सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, या लोगों में एक सामूहिक गुस्सा और निराशा स्पष्ट था। The outcry on social media was overwhelming, with countless users expressing their outrage and disbelief. वेदांत अग्रवाल ने जो काम किया है, वो काम को आप एक एट्रोसिटी जो क्राइम होता है ना, उससे इक्विवेलेंस होता है, ठीक है, उन्होंने जो काम किया है, लेकिन उसके बदले में उन्हें मिला क्या, एक मामूली सी सजा, मतलब क्या, एक ट्रिवियल पनिशमेंट। अब जब ये चीज हुआ है, मतलब जब उन्हें ये मामूली सी सजा मिला है, तब एक रॉन्ग परसेप्शन
सोसाइटी में क्रिएट हुआ है, रॉन्ग परसेप्शन लीगल सिस्टम के प्रति क्रिएट हुआ है। और बहुत लोग ये बोल रहे हैं ये जो चीज हुआ है ना वो ये अन्याय है, ये डेफिनेटली आप एक चीज को समझ लीजिए, आपके पापा के पास पैसा है ये खराब चीज नहीं है, आपके पास या आपके पापा के पास पैसा है वो खराब चीज नहीं है, आपके पास नॉर्मल कार छोड़ के एक स्पोर्ट्स कार से पोर्शे ट्राई कर ये भी खराब नहीं है, आप अनरजिस्टर्ड कार चला रहे हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास लाइसेंस प्लेट नहीं है, ठीक है, तो आपके पास कुछ ये सब जो चीज नहीं होता है तो ये खराब चीज नहीं है। लेकिन आपके पास कोई ऑथोरिटी नहीं होता है कि आप दूसरे का लड़का या लड़की उन्हें मार देंगे, ये आपके पास वो ऑथोरिटी नहीं होता है। और आप सोच लीजिए जब सोशल मीडिया में एक आउटक्राई हुआ है, बहुत जबरदस्त आउटक्राई हुआ है, उसके बाद जूनियर जस्टिस बोर्ड ने नेक्स्ट जो हियरिंग था उस नेक्स्ट हियरिंग में ये जो वेदांत अग्रवाल को जो पहले बेल दिया गया था ना वो बेल को कैंसिल कर दिया। अब क्वेश्चन यहां आता है कि आप सोच के देखिए विद इन कपल ऑफ आवर्स कुछ नया फैक्ट्स ऐड नहीं हुआ है, कुछ नया जो फैक्ट्स हमारे सामने आया है वो डिलीट भी नहीं है, मतलब किसी ने ये नहीं बोला कि ये सब चीजें झूठ है, लेकिन तो फिर पहले कैसे बेल मिल गया और अभी कैसे बेल रिजेक्ट हो गया, ये जब आप अपने आप से ये जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा कि जो जजमेंट था ना, जो इनिशियल जजमेंट था उस वो कॉम्प्रोमाइज था या इन्फ्लुएंस्ड था एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति। ये जो नेगेटिव परसेप्शन है, ये नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट कैसे हुआ, ठीक है, पास में ऐसा कुछ इंस्टेंसेस है हमारे पास है बैक टू 1999, ठीक है, उस टाइम पे आपको पता होगा संजीव नंदा केस में वो बहुत चर्चा में रहा था सोशल मीडिया, उस टाइम पे तो सोशल मीडिया नहीं था, मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत चर्चा में रहा था, जहां पे 6 लोगों को हत्या कर दिया गया था और वहां पे जो एक्यूज्ड था उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। सिमिलरली आप आ जाइए 2024 में ये नागपुर का रामझूला का इंसिडेंट जहां पे दो लड़कियों ने दो लड़कों को मार दिया, वो दो लड़की है वो मतलब पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड थी तो जिसके कारण उन्हें भी छोड़ दिया गया। नागपुर के रामझूला केस में एक्यूज थी दिनेश रितु दिनेश मालू और माधुरी श्री सारदा, ये दोनों थी। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कि ये जो सड़क इंसिडेंट में जितना भी होता है ना उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है चुल्लू भोई, 2002 में सलमान भाई का एक फेमस इंसिडेंट हुआ था जहां पे उन्होंने एक आदमी का हत्या कर दिया गया था और उस वही इंसिडेंट में आई थिंक 3 और लोग था जिन्हें वो इंजोर्ड हो गया था, तो वो 2002 का इंसिडेंट था, वो 2002 का इंसिडेंट फर्स्ट चार्जशीट फाइल हुआ था वो हुआ था ऑलमोस्ट 12 साल के बाद 2013 में फर्स्ट चार्जशीट फाइल हुआ था, ठीक है। उसके बाद 2015 में हाँ ये कोर्ट ने ये देखा कि सलमान भाई वहां पे गिल्टी है, और यहाँ पे भी बहुत सारा कैच है, सलमान भाई ने क्या किया, अपना जो ड्राइवर था उनको कुछ गलत मतलब उनको इन्फ्लुएंस करके या आप बोलिए उनको डरा के धमका के उनको बोल दिया कि नहीं गाड़ी आप चला रहे थे, जबकि सबको पता था कि उस टाइम पे जो कार चला रहा था तो वो सलमान भाई खुद था, लेकिन उस ये वेदांत अग्रवाल का केस में भी जैसे हुआ ना कि उनका जो ड्राइवर है उनको वो आके बोल रहा है कि हाँ मैं चला रहा था, तो उस टाइम पे भी सेम हुआ था, ठीक है, वो ड्राइवर को फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया था, ठीक है, मतलब जो आप बोलिए जितना भी एविडेंस था उसको मैनिपुलेट किया गया, उसको छेड़खानी किया गया उसके साथ, ठीक है। और उस जो सलमान भाई का जो इंसिडेंट हुआ था उस इंसिडेंट जो मेन विटनेस था वो रविंद्र कुमार, ठीक है, रविंद्र कुमार को आई थिंक ये जो मुंबई पुलिस है मुंबई पुलिस ने मतलब टॉर्चर किया था, बहुत टॉर्चर किया था, एक लेवल के बाहर जाके भी उन्होंने टॉर्चर किया था, ठीक है, ये होता है जैसे इवन वेदांत अग्रवाल के केस में भी देखिएगा ये सेम चीज ही होगा। के दिसंबर महीने में सलमान खान को ये बोल के छोड़ दिया कि आपके अगेंस्ट में कोई एविडेंस हमें मिला नहीं है इसलिए आप को हम बाजार बरी करते हैं, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में 2000 आई थिंक जुलाई 2016 ये और मैं पहले जो इंसिडेंट हुआ था ये 2015 के दिसंबर महीने में सलमान खान को एक्विट कर दिया गया था, और उसके बाद जुलाई 2016 में ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दिया, और नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2024 हमें पता ही नहीं है उस केस का क्या हुआ। और आप कंपेयर कीजिए वेदांत अग्रवाल के साथ, सलमान भाई के पास जितना पॉलिटिकल मतलब उनका जितना पैसा है वेदांत अग्रवाल के पास उससे आई थिंक 10 टाइम्स ज्यादा पैसा है, ठीक है। उसके बाद सलमान खान जितना पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है ये वेदांत अग्रवाल उससे भी ज्यादा पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड है, तो सलमान खान के केस में कुछ हुआ नहीं तो आपको सच में क्या लगता है कि वेदांत अग्रवाल का केस में भी कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। अब जो जॉली हलवे मूवी में पुलिस का क्या रोल है हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस ने उनका जो ब्लड सैंपल लिया वो सैंपल लिया ऑलमोस्ट सुबह के 11 बजे, मतलब जो जब इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था रात के ऑलमोस्ट 1:30 से 2 बजे के बीच में हुआ था, उसके और उसका ऑलमोस्ट 9 आवर्स के बाद उनका ब्लड सैंपल लिया गया था, ये एक है। सेकेंड ये जो पूरा मतलब ये जो 9 घंटा उन्होंने जेल में बिताया है मतलब पुलिस कस्टडी में वो जब था वेदांत अग्रवाल उस टाइम पे उन्हें बिरयानी पिज्जा बर्गर खिलाया गया है, मतलब आप सोच के देखिए कोई जेल में है और वो जेल में खाना आ रहा है बाहर से आ रहा है मतलब घर से आ रहा है या जोमैटो स्विगी से आ रहा है और वो भी आ रहा है क्या बिरयानी पिज्जा बर्गर, अरे इतना तो फैसिलिटी ये दिल्ली के जो मालिक है ना उसको भी नहीं मिला है। अब जब उनके पास से अब ब्लड सैंपल लिया गया और उसके बाद जो टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आया वो टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में ये आया कि वेदांत अग्रवाल के ब्लड में कोई अल्कोहल का स्ट्रेस नहीं है। यहाँ पे एक और एक कैच है, वो कैच ये है कि वेदांत अग्रवाल के ब्लड में कोई अल्कोहल का स्ट्रेस नहीं है तो फिर ये जो क्लोजी ब्लैक क्लब्स ये जो बार था इसको तो फिर आपने बंद क्यों किया, मतलब एक तरफ पुलिस बोल रहे हैं कि नहीं आपने या वेदांत अग्रवाल ने अल्कोहल नहीं लिया, दूसरी तरफ आप ये जो कोजी एंड ब्लैक क्लब्स जो क्लब्स है मतलब जो बार है जहां पे वेदांत अग्रवाल वो दारू पी रहा था
मतलब बर्दात के दिन, तो उस क्लब को आपने क्यों बंद कर दिया? मतलब ये जो आप देख रहे हैं दो स्टेटमेंट एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है। विदात अग्रवाल के केस में सबसे जो एक्टिवली नेगेटिव रोल प्ले किया है वो है प्रशांत पाटिल। ये प्रशांत पाटिल है ना, ये एडवोकेट है। आप में से बहुत सारे लोग प्रशांत पाटिल का नाम बार बार न्यूज़पेपर में सुना होगा या सोशल मीडिया में इनके सुना होगा, क्योंकि आपको पता होगा ये सूरज पंचोली एंड जिया खान का जब केस हुआ था ना, जहां जिया खान का हत्या कर दिया गया था, तो उस केस में सूरज पंचोली एक्यूज था, तो वो उस केस में इन्होंने सूरज पंचोली का हेल्प किया था, ठीक है। और उसके बाद हारून यूसुफ आपको पता होगा ये पीएमएलए के केस में, आप सोच करके पीएमएलए केस में बेल मिलना बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन इन्होंने ये प्रशांत पाटिल ने हारून यूसुफ को पीएमएलए केस में बेल करवा दिया उन्होंने। उसके बाद अजित पवार का देखिए महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में आई थिंक 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, तो उस केस में अजित पवार को रिप्रेजेंट किया था ये प्रशांत पाटिल ने। उसके बाद आपको पता होगा ये जो जैकलिन फर्नांडिस एंड कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर, तो इसके केस में जैकलिन फर्नांडिस को इन्होंने डिफेंड किया था, इनका बेल ये करवाया था। उसके बाद आपको पता होगा ये राजकुंदा शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड, तो उनका जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का केस था, उस चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केस में प्रशांत पाटिल ने राजकुंदा को मतलब डिफेंड किया था। तो ये है, तो अल्टीमेटली ये जो पूरा प्रोसेस में असली खेल कौन खेल रहा था, मतलब पीछे से ये खेल रहा था प्रशांत पाटिल। प्रशांत पाटिल बेशर्मा की तरह मीडिया में आके बोल रहा है कि ये जो बेलन अग्रवाल मेंटली अनस्टेबल है, भाई वो मेंटली अनस्टेबल है तो घर में रखो ना, उसको कोर्ट से काट देकर तुम घर से बाहर क्यों भेज रहे हो, ठीक है। वो बोल रहा है डिप्रेशन में से उसको उसके लिए मेंटल असाइलम होता है, ठीक है, वहां पे जाके करो, दारू पी के किसी के ऊपर थोड़ी बोला है कि भाई तुम चढ़ा दो, ठीक है, कोई मर जाएगा तो हम देख लेंगे, ये एटीट्यूड है इन लोगों का। अब ये जो पूरा इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट में ये जो ड्राइवर गंगाराम, इनका अचानक से ये प्रकट हो गया। ये प्रकट कैसे हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि जिस टाइम पे वो गाड़ी चला रहा था उस टाइम पे वेदांत अग्रवाल के साथ वेदांत अग्रवाल का कोई एक दोस्त था, ठीक है, कोई ड्राइवर गंगूरा में ऐसा कोई था नहीं। लेकिन अब जब गंगाराम सामने आ रहा है वो बोल रहा है कि नहीं मैं गाड़ी चला रहा था, तो अब ये सब जो प्लानिंग चल रहा है बहुत सारा पे मीडिया में ये भी न्यूज है कि ये जो ड्राइवर गंगाराम को एक दो दिन आई थिंक उनको किडनैप कर दिया गया, किडनैप करने के बाद उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया गया, और उसके बाद ये गंगाराम आके हाँ मतलब पुलिस में आके बोल रहा है कि हाँ मैंने उस टाइम पे गाड़ी चला रहा था। तो ये सब जो चीजें चल रहा है, क्या आपको सच में लगता है कि आप सुरेंद्र कुमार अग्रवाल या विशाल अग्रवाल या वेदांत अग्रवाल सिर्फ वो ही लोग ये सब कर रहा है, या आप बोलिए कोई फैमिली मेंबर कर रहा है, बाहर से कोई किसी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। इसके बाद ये जो फोरेंसिक ऑफिसर्स है ये लोग तो अलग लेवल में हैं, ये लोग ये जो टॉक्सिकोलॉजी जो रिपोर्ट था उस रिपोर्ट को डाइल्यूट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट डाइल्यूट उन्होंने नहीं किया, ये जो डॉक्टर के प्रति जो विश्वास था ना उस विश्वास को इन्होंने डाइल्यूट कर दिया, जो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति जो विश्वास था उसको डाइल्यूट कर दिया इन्होंने, जो मतलब जिस बेसिस पे पूरा केस खड़ा होने वाला था उस वो जो बेसिस था या आप बोलिए जो रूट था उस रूट को ही इन लोगों ने काट दिया। फॉरेंसिक लैब में जो डॉक्टर था उन लोगों ने वेदांत अग्रवाल का जो ब्लड सैंपल लिया था वो ब्लड सैंपल उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया। तो यहाँ पे सिर्फ ब्लड सैंपल डस्टबिन में नहीं फेंका गया, यहाँ पे जो जस्टिस है वो जस्टिस ही कंप्लीट डस्टबिन में फेंक दिया गया, और यहाँ पे जो उनके जो ब्लड सैंपल है मतलब वेदांत अग्रवाल का जो ब्लड सैंपल है उस ब्लड सैंपल को ही एक्सचेंज करके कोई और मतलब दूसरा लड़के का ब्लड सैंपल ले लिया गया है, लड़का या लड़की आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मतलब ये कि ब्लड सैंपल है वही एक्सचेंज कर दिया गया। तो यहाँ पे सिर्फ ब्लड सैंपल एक्सचेंज नहीं हुआ, यहाँ पे जस्टिस भी एक्सचेंज हो गया। अब हम बात कर लेते हैं छोटा डॉन के ऊपर। देखिए अब छोटा डॉन कौन है, ये है वेदांत अग्रवाल का पिता विशाल अग्रवाल। अब हम लोग इसको छोटा डॉन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो एविडेंस था जितना भी एविडेंस था उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया है, आप बोलिए डिस्ट्रॉय या मैनिपुलेट करने की कोशिश किया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है भाई, इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस के पास नहीं गया, ठीक है, इन्होंने पूरा जो चीज था उसको मैनिपुलेट किया, ठीक है, इधर उधर करने की कोशिश किया है। एट द सेम टाइम इन्होंने क्या किया, अपना जो पुराना सिम था वो ऑफ करके न्यू सिम ले लिया, वहां से लोगों को कनेक्ट करके ये सब चीजें कर रहा था। ये तो था छोटा डॉन। अब देखिए बड़ा डॉन के ऊपर, देखिए अब बड़ा डॉन कौन है, वो है सुरेंद्र कुमार अग्रवाल। अब सुरेंद्र कुमार अग्रवाल के साथ वेदांत अग्रवाल या विशाल अग्रवाल का क्या रिलेशन है, देखिए सुरेंद्र कुमार अग्रवाल वेदांत अग्रवाल का दादाजी है, मतलब क्या है, विशाल अग्रवाल का पिता है वो है सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, मतलब एकदम ऊपर सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, उसके नीचे विशाल अग्रवाल, विशाल अग्रवाल के नीचे वेदांत अग्रवाल। अब इनके ऊपर चार्जेस क्या है, इनके ऊपर चार्जेस ये है, इन्होंने भी ये जो पूरा केस में जो फैक्ट्स है या आप बोलिए एविडेंस है उसके साथ छेड़खानी किया है। एट द सेम टाइम 2009 में अजय भोसले को मारने की कोशिश इन्होंने किया था, और इन्होंने ऐसा नहीं कि खुद जाके बंदूक लेके उन्हें मार दिया था, ऐसा नहीं, इन्होंने छोटा राजन को पैसा दिया था, उस छोटा राजन का कोई गनमैन था या बोले गुंडा था, उन्होंने जाके अजय भोसले के ऊपर अटैक कर दिया था। आई थिंक उस वो जो अटैक था उस अटैक में अजय भोसले बच गया था, लेकिन उनका जो ड्राइवर था आई थिंक उनका हत्या हो गया था उस टाइम पे। और ये हुआ क्यों था, मतलब क्यों इन्होंने पैसा दिया था, इसके पीछे रीजन यही है कि कुछ एक प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था, तो उसको सॉल्व करने के लिए सुरेंद्र कुमार अग्रवाल ने छोटा राजन को पैसा दिया था। ये अग्रवाल फैमिली का जब आप बैकग्राउंड देखेंगे ना उतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है। अब देखिएगा इंडिया टुडे में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जहां पे एक आई थिंक 24 करोड़ का डिफेंस लैंड था, ये इन लोगों ने उन्हें मतलब गलत तरीके से उसको ग्रैब कर लिया। देखिए वेदांत अग्रवाल जैसा हाई प्रोफाइल केस में क्या होता है कि पुलिस को फाइल नहीं मिलता है, ठीक है, जनरली जज प्रोसिक्यूटर ये चेंज हो जाता है,
उसके बाद ये जो केसेस है ये चलेगा 20 साल 30 साल तक चलेगा, मतलब अनिश और अश्विनी का जो रिलेटिव है उनको जस्टिस मिलने में ऑलमोस्ट 20-30 साल लग जाएगा। वेदांत को बाद में छोड़ दिया जाएगा क्योंकि बाद में ये पता चलेगा कि उनके अगेंस्ट में जितना भी एविडेंस था वो एविडेंस सफिशियंट नहीं था। ठीक है, अब सोच के देखिए एविडेंस जो था वो सफिशियंट एविडेंस नहीं था, तो जिसके कारण उन्हें भी छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, बहुत जगह पे जो विटनेस था उनको हैरेस किया जाता है, बार बार हैरेसमेंट होता है उनका, बहुत जगह पे ड्राइवर भाग जाता है। इस केस में तो ऐसा नहीं हुआ, स्पेशली ये जो केस है इस केस में भी देखिएगा कि अनिश एंड अश्विनी का जो कैरेक्टर असैसिनेशन ये भी स्टार्ट हो जाएगा। बहुत लोग क्या करेगा, ये अश्विनी एंड अनिश इनका आप बोलिए इन लोगों को जिम्मेदार ठहराएगा कि ये लोग रात के 2:30 बजे या 1:30 बजे सुनसान सड़क में कर क्या रहा था, ये रहा था या रही थी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा करेगा कि ये जो रोड है ना ये रोड सिर्फ जो लोग पोर्ट से चलाता उनका बाप का है, ठीक है, और किसी का रोड नहीं है। ये इन लोगों का एटीट्यूड भी ऐसा रहता है। अनिश और अश्विनी की हत्या सिर्फ वेदांत अग्रवाल ने नहीं, पुलिस जिन्होंने एक हत्या के अपराधी डेफिनेटली अक्यूज्ड उन्हें जेल में बिठा के बिरयानी पिज्जा बर्गर परोसा था। जो केस नॉन बेलेबल सेक्शन में चार्जेस फाइल होने वाला था उनको क्या क्या इन पुलिस वालों ने जो बेलेबल सेक्शन के अंडर चार्जशीट फाइल किया था। फॉरेंसिक नोडल ऑफिसर्स या डॉक्टर्स जिन्होंने वेदांत अग्रवाल का जो ब्लड सैंपल ही एक्सचेंज कर दिया। पॉलिटिशियन दोज हु आर अब्यूजिंग देयर मसल पावर टू इन्फ्लुएंस दिस केस फ्रॉम आउटसाइड। इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन लाइक विशाल अग्रवाल और एसके अग्रवाल जो अपना वित्तीय शक्ति का दुरुपयोग कराते हैं। शोरूम ओनर जिन्होंने एक अनरजिस्टर्ड कार एक बिजनेसमैन को बेच दिया। पुणे का पब ओनर जिन्होंने एक अंडर एज टीनेज को एल्कोहल सर्व किया। एंड डायफंक्शनल पेरेंटिंग ऑफ विशाल अग्रवाल जिन लोगों फादर एंड मदर जिन लोगों के वजह से आज अनिश और अश्विनी को इस दुनिया से जाना पड़ा। सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि अनिश और अश्विनी का जब अंतिम संस्कार हुआ था वो हुआ था जब ये इंसिडेंट हुआ था उसका ऑलमोस्ट 52 आवर्स के बाद ये हुआ था, लेकिन वेदांत अग्रवाल को विद इन 15 आवर्स उन्हें बेल मिल गया। तो इससे एक चीज तो बहुत ही क्लियर है, लॉ हर किसी के लिए इक्वल हो सकता है लेकिन जस्टिस ये हर किसी के लिए इक्वल नहीं है। विद दिस नो लेट्स रैप अप दिस वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय। मतलब ये लापरवाही है, मानवता के खिलाफ लापरवाही है, मानवता के उसमें जो कहते हैं ना वो, मतलब इनको ये सोचना चाहिए किसी का बच्चा है उसका बच्चा उसके घर तक मरा है लेकिन कम से कम घर तक पहुंच तो जाए। वो तो इस स्थिति में बना दिया था कि उसको वही मट्टी करके फेंक दे। आप सोच सकते हैं, हमारी आत्मा जानती है, अब दोबारा बच्चे को पढ़ाने से आदमी डरेगा। मैम आपसे पुलिस ने कुछ बताया कि एक्सीडेंट किसने किया है, वो कौन सी पुलिस को? तो मैम पुलिस को तो आप और हम जानते हैं, बाकी देखा सुना कुछ नहीं। पुलिस नंबर सुने हमारे पास ना, पुलिस का कॉल आया, किसी तरह से जानकारी कुछ नहीं मिली, कुछ भी नहीं बताया गया, कोई जानकारी नहीं मिली। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम के लिए बोला गया तो रात हो गई, रात को 10-11 बजे उन्होंने पोस्टमार्टम करके बॉडी दिया। हम 3 दिन में पुणे से लेके आए, बॉडी इतनी बेकार हो गई कि मैं कुछ कह नहीं सकता।